इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन दो बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 2003 और 2018 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, अलग अलग तरह से यूनिट पूछी जाती हैं, तो यूनिट ऑफ इंडक्टेंस पूछ रहा है कि इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा। अब देखिए सबके अंदर ओम दे रखा, ओम इसके अंदर भी दे रखा, ओम इसके अंदर भी, ओम इसके अंदर भी और ओम इसके अंदर भी, तो कहीं ना कहीं आपको आंसर निकालना है ओम में। तो इंडक्टेंस क्या होता है, एल होता है और एल इज इक्वल होता है फाई अपॉन आई, यही तो होता है एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। अब देखिएगा आपने फाई का एक फॉर्मूला पढ़ रखा, ई एम एफ इज इक्वल टू होता है डी फाई ओवर डी टी। मैं सिर्फ यूनिट के हिसाब से बात करूंगा, फॉर्मूले के हिसाब से नहीं। तो एक तरह से ये बोल्ट है और ये है फाई और ये है सेकंड, तो कहीं ना कहीं फाई का यूनिट जो है वो है बोल्ट सेकंड, ठीक है, ये वाली बात है। तो फाई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ बोल्ट और यहाँ रख सकता हूँ सेकंड। अच्छा देखें नीचे क्या है, नीचे है करंट मतलब एम्पियर। अब मुझे एक बात बताओ, बोल्ट पर एम्पियर किसको कहते हैं, ये रेजिस्टेंस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं रेजिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा ओम, ओम सेकंड, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ओम सेकंड, क्योंकि बोल्ट मतलब वी और एम्पियर मतलब आई, वी अपॉन आई जो होता है वो आर के बराबर होता है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई, तो यहाँ पर बोल्ट पर एम्पियर, तो इसको कह दूंगा मैं ओम और ये सेकंड ऐसे रहेगा, तो एल का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ओम सेकंड। तो ओम सेकंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ओम सेकंड। ये पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में दो बार, अब आपको निकालना आना चाहिए, ऐसे ही निकालोगे आप। थैंक यू।